चुके हैं जाने के लिए और हम लोग जा रहे हैं आज, अब रेडी हुए हैं, मार्केट से हम आ गए थे और अब हम जा रहे हैं एक प्रोग्राम में और जयपुर में देवानंद जी का जो बर्थडे है उसका सेकंड प्रोग्राम हो रहा है आज। हेमा मालिनी जी भी आएंगी तो गाइस मैं दिखाऊंगी फिर आपको वहीं जाकर। और हमारी भाभी बेशक पुशक गई है और वहीं जाकर डांस करेंगे हम तो फिर थोड़ी देर में। चलो चलो जल्दी आ जाओ रेडी। गाइस आ गए हैं राज मंदिर में, आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए गाइस बहुत अच्छा बना हुआ है राज मंदिर। आपके लिए सीट है सामने, आपके सामने पंडित जी परफॉर्म करने जा रहे हैं, पंडित जी परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप सामने बैठेंगे तो जी ज्यादा मजा आएगा। हमारे जो स्पॉन्सर हैं जीनस एनर्जी के आईसी अग्रवाल साहब चेयरमैन, आप एक गीत गाना चाहते हैं आज? हेमा जी और भावना जी नीचे सीट पे आ गए तो ये रास्ता क्लियर करवा दी। विजय जी अभिषेक नीचे हमारे बीच तो पर्दा गिरा दीजिए प्लीज एक बार, ठीक है एक बार पर्दा गिरवा दीजिए। देवानंद जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, हेमा मालिनी जी का दो बातें कर रही है हमारे साथ।
देखिए आप। इस गुलामी नगर में एक बड़ी शख्सियत का आगमन हुआ है आज, जिनको हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। आज जयपुर अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा है कि हेमा मालिनी जी यहाँ पर बैठी हुई है, और हमारे जैसे कि राजस्थान में परंपरा रही है कि हम स्वागत करते हैं अपने सर्व लोकप्रिय जो गाना है केसरिया वरम आवली पधारो हमारे देश। मैं आपके समक्ष एक मिनट के लिए वो गाना प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद में आप कंटिन्यू करेंगे। हेमा जी आज्ञा दीजिए। केसरिया लकी मैस्कॉट है। जब भी वो हेमा जी के साथ काम करते थे तो वो फिल्म हमेशा खींच जाती थी। उनके साथ वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं जो जर्नलिस्ट हूँ और रेडियो पर भी बोलती हूँ, पहली बार जब मेरे साथ से मिली थी उसका वर्णन करना चाहूँगी। मैं कॉलेज में थी और नया नया मैंने काम करना शुरू किया था, तो मेरे एडिटर ने मुझे नवकेतन ऑफिस भेजा कि कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आ जाइए। मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि आपको देर साहब 5 मिनट में मिलेंगे। आमतौर पर जब आपको कहा जाता है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के इस बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम में रवि कमरा जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, और ये जयपुर देव फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय द ग्रीन एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी जयपुर, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और राजस्थान तो स्पेशली जयपुर तो मैं आती रहती हूँ कई बार, ऐसा एक वक्त ऐसा आया कि मैं घर भी मेरा यहीं पे बन गया, इतनी शूटिंग यहाँ पर होती थी। मुझे इस राजस्थान के इस पवित्र भूमि से बहुत ही लगाव है, बहुत प्यार है। आप लोगों ने बहुत प्यार मान सम्मान मुझे दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं कहूँगी कि ये जो राज मंदिर, ये जो थिएटर है, ब्यूटीफुल थिएटर यहाँ पहली बार बनी थी, और मेरी जो फिल्म चरस रिलीज हुई थी इसी थिएटर में, इस थिएटर में फर्स्ट फिल्म मेरा ही था, मेरा और धर्म जी का, और बहुत अच्छी चली वो पिक्चर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ से शुरुआत मेरी फिल्म से शुरू हुई, और उसके बाद भी मुझे बहुत बार यहाँ आना हुआ था। ये अभी विश्वमोहन बच्ची इतना बड़े कलाकार, बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका कार्यक्रम अभी होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ आपसे बात करने के लिए बुला लिया है। ये थोड़ा सा समय लगा अरेंजमेंट करने में, लेकिन बहुत ही अच्छा, आप लोग बात भी सुनिए जरूर। मैं जानती हूँ कि आप मेरे से कुछ बात सुनना चाहेंगे, मैं कुछ कहूँ जरूर बोलूँगी मैं। पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ, ऐसा लग रहा था। आप स्पॉन्सर्स को बुलवा लीजिए प्लीज, गुप्ता जी, एक पंडित जी के लिए और स्पॉन्सर्स के लिए लेके आइए, उसका युद्ध कोई जाइए और लेके आइए, मेमेंटोस और ले आइए। प्रोग्राम खत्म हो चुका है और हम आ चुके हैं अब डिनर करने के लिए। जिनका शो था, जिन्होंने आज शो करा था, उन्होंने ही हमारे डिनर अरेंज किया, थोड़े से लोगों का। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्लब में आए हैं हम, ये क्लब है यहाँ का जयपुर का 360। और ये हमारी रेणु जी भी बैठ के सूप इंजॉय कर रही है। कैसा सूप है? और गाइस ये मेरा भी सूप है, हम सूप इंजॉय कर रहे हैं, और बाकी सब भी कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं।